संयुक्त राष्ट्र ने समुद्री जल स्तर को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने भारत को चिंता में डाल दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जलवायु परिवर्तन का वर्तमान रुझान ऐसे ही बना रहा तो समुद्र का स्तर 1 मीटर तक बढ़ सकता है और लाखों लोगों को सन 2100 तक पलायन करना पड़ सकता है। भारत के लिए रिपोर्ट इसलिए चिंताजनक है क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने से अंडमान निकोबार पानी में समा जाएगा, वहां बढ़ते जल स्तर के कारण आबादी का रहना मुश्किल हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी समिति के कड़े निष्कर्ष में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित नहीं किया गया तो समुद्र के जल स्तर में 30 से 60 सेंटीमीटर के बीच में बढ़ोतरी होगी और वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर हो जाएगा। बताया जा रहा है कि वैश्विक तापमान से निपटने में विफल रहने पर समुद्र स्तर 110 सेंटीमीटर तक बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि इस रिपोर्ट पर 36 देशों के 100 से ज़्यादा लेखकों ने शोध किया है और 7000 से ज़्यादा वैज्ञानिक प्रकाशन इसके स्रोत हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण अंडमान और निकोबार जैसे द्वीप समूह के स्तर में हो रही वृद्धि और चक्रवात जैसी घटनाओं में वृद्धि के कारण कुछ वर्षों बाद रहने लायक नहीं बचेंगे। अंडमान और निकोबार मालदीव जैसे द्वीपों को खाली करना होगा। वहीं महासागरों के गर्म होने से भारत में चक्रवात जैसी जलवायु घटनाओं की गंभीरता भी बढ़ जाएगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जलवायु परिवर्तन के कारण भारत के ये शहर पानी में समा जाएंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।